बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने अभी तक भारतीय फ़ौज की बुज़दिली की कार्रवाइयाँ सुनी होंगी और उनको सोच सोच कर अभी तक आप हंसते होंगे, मगर आज आपको ऐसी फ़ौज की बहादुरी का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो ख़ुद को दुनिया की पावर मानती है और दुनिया पर अपना कंट्रोल समझती है, मगर ये बहादुरी उनकी कहाँ तक है वो आप इस वीडियो में देख लेंगे। ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर काफरों पर मुसलमानों के रोब का अंदाज़ा हो जाता है। बेशक मुसलमान पस्ती का शिकार हैं, मगर उनका रोब और दबदबा काफर अभी तक जानते हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान अभी नींद के मज़े लेकर सो रहे हैं, मगर जब ये जाग जाएंगे तो किसी एटम बम से कम नहीं होंगे। इसराइली फ़ौज ने सरहद की खिलाफ वर्जी पर लबनानी बच्चे की मुर्गी को हिरासत में ले लिया। लबनान और इसराइल की सरहदें आपस में मिलती हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इसराइली फ़ौज हर वक्त अलर्ट रहते हैं। लबनान के सरहद से मुतसिल इलाके में रहने वाला ये लबनानी लड़का अपने भाई के साथ घर पर पालने के लिए एक रोज़ पहले ही मुर्गियाँ लेकर आया था। सुबह के वक्त जब वो दाना डालने के लिए मुर्गियों के डिब्बे के पास पहुँचा तो उनमें से एक मुर्गी ने इसराइली सरहद की जानिब दौड़ लगा दी। ये लड़का अपनी मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, मगर मुर्गी भागते हुए सरहद के पास पहुँच गई। हुसैन शरतूनी के घर से सिर्फ 70 मीटर के फासले पर इसराइलियों की लगाई गई बार के नज़दीक जैसे ही ये मुर्गी पहुंची तो इसराइली घबरा गए, क्योंकि वहां नसब सेंसर्स ने उन्हें इतला मिली कि कोई सरहद अबूर करना चाह रहा है। ये इशारा मिलते ही उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मुकामी सहाफी से बात करते हुए लबनानी लड़के शरतूनी ने बताया कि उसकी मुर्गी सरहद अबूर कर गई और वो अभी तक वापस नहीं आई। उसकी मुर्गी को इसराइली फौजियों ने रख लिया है और वो अपनी मुर्गी को हर सूरत वापस ला कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। मगर आप यहाँ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि खुद दुनिया को सुपर पावर समझने वाली ये फौज एक इस मुर्गी से किस तरह खौफजदा हो गई और सरहद पार करने वाली इस लबनानी लड़के शरतूनी की मुर्गी को हिरासत में ले लिया। अब मुसलमानों का जज्बा देखें कि वो कह रहा है कि चाहे एक मुर्गी ही क्यों नहीं, मगर मैं इसको वापस लेकर आऊँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।